राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों किसानों मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी, ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। कभी यूपी के यादव परिवार की तानातनी मीडिया की खबरें बनाती थी, लेकिन जब यादव परिवार मैनपुरी में एकजुट दिखाई दे रहा है तब मीडिया उनको तवज्जो नहीं दे रहा है। मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जो दिखाई दिया उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से पहले चाचा और भतीजा के बीच खूब केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी में बुधवार को एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये सभा ऐसे माहौल में हो रही है जब जेडीयू की ओर से भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया गया है, लेकिन बुधवार को हुई इस सभा के दौरान शिवपाल और अखिलेश के बीच काफी दोस्ताना व्यवहार देखने को मिला। अखिलेश ने चाचा के पैर छुए तो एक दृश्य ऐसा भी हुआ जब शिवपाल ने अखिलेश यादव को कुर्सी से उठा दिया, दूसरी ओर खड़ी भीड़ के अभिवादन के लिए अखिलेश को निर्देशित किया, जिसके बाद अखिलेश ने खुद जाकर सभी को वेव करके उनका स्वागत किया। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव को बुधवार को एक सभा करनी थी। चूंकि रामगोपाल यादव दिल्ली के दौरे पर चले गए, ऐसे में शिवपाल और अखिलेश दोनों ने मंच पर लोगों के अभिवादन का जिम्मा संभाला। जेडीयू के महासचिव और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी इस सभा में हिस्सा लिया। मंच पर जब तीनों नेता पहुंचे तो शिवपाल सिंह यादव के पैर छूकर अखिलेश ने सभी नेताओं का अभिवादन किया, लेकिन जब अखिलेश अपनी कुर्सी पर बैठने लगे तो शिवपाल ने उन्हें बुलाकर कहा कि दूसरी ओर खड़ी भीड़ का अभिवादन करना चाहिए। अखिलेश चाचा के निर्देश के बाद तुरंत उठे और दूसरी ओर जाकर भीड़ का स्वागत किया। इस दौरान उनके समर्थक काफी उत्साहित नजर आए। अखिलेश के साथ शिवपाल सिंह यादव के बेटे अंकुर यादव भी काफी सक्रिय भूमिका में दिखे। मैनपुरी की सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत अग्रेसिव चुनाव प्रचार किया है। शिवपाल भी लगातार अपनी बहू डिंपल के लिए वोट मांग रहे हैं। एक दिन पहले ही शिवपाल ने कहा था कि सारे नौजवान अखिलेश यादव को अपना भाई और मुझे चाचा कहते हैं, ऐसे में डिंपल उनकी भाभी हुई और नौजवानों को उनके लिए वोट करना चाहिए। मैनपुरी के रण में चाचा और भतीजा के बीच के इस केमिस्ट्री का फायदा कितना होगा ये 5 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन एक बात तो जरूर है कि शिवपाल यादव ने इस बार अपने पारिवारिक फ्रंट पर एक लड़ाई जरूर जीत ली है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।